हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा, आप देख रहे हैं रियल सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ्रिज को ऑन करने के बाद कंप्रेसर नहीं चल रही है और फ्रिज के पीछे कंप्रेसर पे हाथ रखते हैं तो कंप्रेसर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम फ्रिज में आ रही है तो कैसे ठीक कर सकेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले हम फ्रिज के पीछे किसी भी तार या वायर वगैरह को छूने से पहले फ्रिज को जिस पावर फ्लक से पावर दे रखा है उसे हम सबसे पहले निकाल लेंगे। निकालने के बाद कंप्रेसर के पास यहाँ पर जो रिले और ओवरलोड लगी है उसे चेक करनी है। इस तरह की अगर प्रॉब्लम कंप्रेसर यहाँ पर हीट हो गई है और चल नहीं रही है तो क्या प्रॉब्लम होता है, ओवरलोड जो है बिल्कुल यहाँ पर ठीक होती है। इस तरह से जो रिले होती है, रिले में दो पॉइंट होता है तो एक पॉइंट की सप्लाई ठीक होती है लेकिन दूसरे पॉइंट की सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसके कारण से कंप्रेसर सिर्फ गर्म हो जाती है, अच्छे से चल नहीं पाता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें सिंपल से इतना ही करना है कि यहाँ पर जो रिले लगी है उसे चेंज करना है। उसके बाद हमारी जो फ्रिज में जो कंप्रेसर लगी है वो चालू हो जाएगा। इस वीडियो से आपकी अगर हेल्प होती है तो हमारी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।